गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 15 दैट वाज अबाउट बेंगलुरु. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेंगलुरु. मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन बेंगलुरु. कन्नाडिगा सेलिब्रेट उगाड़ी. इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द कन्नड़ा न्यू ईयर. ओके, कन्नाडिगास जो होते हैं, जो वहाँ के कन्नड़ कम्युनिटी है, वो जो है उगाड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. उगाड़ी क्या है, जैसे हमारे यहाँ न्यू ईयर होता है ना, वैसे ही जो कन्नड़ा न्यू ईयर है उस दैट इज़ नोन एज उगाड़ी. ठीक है, जब उनका न्यू ईयर मार्क होता है, उनकी न्यू ईयर की बिगनिंग होती है, दे सेलिब्रेट अ फेस्टिवल एंड दैट इज़ नेम उगाड़ी. गणेश चतुर्थी इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा. और महाशिवरात्रि डिवोटीज विजिट द लॉर्ड शिवा टेम्पल एंड अदर फ्रूट्स एंड सेक्रेड लीव्स. ऑफर फ्रूट्स एंड सेक्रेड लीव्स. अब क्या है कि गणेश चतुर्थी किसका सेलिब्रेशन है, वी ऑल नो लॉर्ड गणेशा के बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, वो हमारे इधर भी होता है, राइट. महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि पे डिवोटीज क्या होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं भगवान के, जो भक्त होते हैं. ओके, डिवोटीज जो होते हैं विजिट द लॉर्ड शिवा टेम्पल. आप लोग भी जाते हो लॉर्ड शिवा के टेम्पल जाते हैं हम, एंड ऑफर फ्रूट्स. और हम क्या ऑफर करते हैं, फ्रूट्स एंड सेक्रेड लीव्स. सेक्रेड क्या होते हैं, जो प्योर, कुछ लीव्स हैं, कुछ ट्रीज हैं जिनको सेक्रेड माना गया है, प्योर एंड क्या, पवित्र जिसको हिंदी में कहते हैं, सेक्रेड लीव्स उनको ऑफर करते हैं. जैसे अगर आप भी यहाँ शिवरात्रि भी जाते हैं तो बेलपत्र और कुछ स्पेशल जो लीव्स हैं, जो वहाँ प्रसाद में ही मिलते हैं अलोंग विद फ्रूट्स, वो आप उनको ऑफर करते हैं भगवान जी को, है ना. तो सेम वे महाशिवरात्रि वहाँ पर भी ऐसे ही सेलिब्रेट की जाती है. अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा द सिटी सेलिब्रेट्स दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस. बिसाइड्स दीज टू फेस्टिवल्स, थ्री, उगाड़ी, गणेश चतुर्थी एंड महाशिवरात्रि, बाकी सब फेस्टिवल्स भी जो दशहरा, दिवाली, ईद और क्रिसमस है, वो सभी सेलिब्रेट किए जाते हैं. Now there is a fact given. The Bengaluru airport is named Kempegowda Airport after the ruler who had first built a fort here. यहाँ पर जिस रूलर ने पहला किला फोर्ट बनवाया था उसके नेम पे बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम रखा गया था Kempegowda. He was the founder of Bengaluru and devoted his life towards shaping this beautiful city. वही, who was the founder of city Bengaluru? कौन थे? Kempegowda. ठीक है, जो थे वो रूलर जिन्होंने बेंगलुरु को डेवलप किया है और अपनी लाइफ को इसी सिटी को शेप करने में, बनाने में लगाया है. ठीक है, नाउ कम स्पोर्ट्स. क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द सिटी. बेंगलुरुज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज कॉल्ड द चिन्नास्वामी स्टेडियम. अब भाई आपने आईपीएल के मैचेस देखे हो तो नाम सुना होगा जरूर स्टेडियम का, चिन्नास्वामी स्टेडियम. इट इज़ द होम ऑफ इंडियाज नेशनल क्रिकेट अकेडमी. नाउ स्पोर्ट्स की भी फेमस है वहाँ. कौन सी पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं तो बेंगलुरु सिटी में? क्रिकेट एंड फुटबॉल. ठीक है, क्रिकेट में तो चेन्नई की टीम भी है आईपीएल में, अगर आपको नोन हो तो, वहाँ मतलब क्रेज़ है इस गेम को लेकर, राइट. और वहाँ क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस प्ले किए जाते हैं, इंटरनेशनल अलोंग विद डोमेस्टिक इंटरनेशनल मैचेस प्ले किए जाते हैं. चिन्नास्वामी स्टेडियम है. इंडिया की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो भी बेंगलुरु में ही है. फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन्स राहुल द्रविड़ एंड अनिल कुंबले, ही वॉज अ स्पिनर एंड राहुल, और बाद में वो कोच भी रहे थे टीम के, राहुल द्रविड़ भी. जैम जैम जैमी की ऐड आती थी तब, आप तो हो गए नहीं, हम छोटे थे तो आती थी ना, तो राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले, उनको, वो दोनों भी बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं. प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बेंगलुरु इज़ नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. देखो एक और सोब्रिक्यू मिल गया इसको, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, बाइट बास्केट ऑफ इंडिया, है ना, आईटी हब ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, कितने नामों से जानते हैं हम बेंगलुरु को. बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीनरी एंड पार्क्स, सम फेमस पब्लिक पार्क्स आर लाल बाग एंड कब्बन पार्क. ये देखो लाल बाग का फोटो है, ये कब्बन पार्क का, ये कौन टेम्पल है, पिक्चर्स आर गिवन. तो कुछ फेमस पार्क्स जो हैं यहाँ पर वो लाल बाग एंड कब्बन पार्क है. कब्बन पार्क जो है इज़ द सिटी ऑफ बेंगलुरु. In the city of Bengaluru is rich in green foliage. It was laid down by Lord Kubban. It is home to more than 6,000 trees. We should plant more and more trees in our cities to keep them pollution free.
सिटी को पोल्यूशन फ्री रखने के लिए, हमारी सिटी को क्या, अर्थ को पोल्यूशन फ्री रखने के लिए, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, एंड इन कब्बन पार्क देयर आर 6,000 ट्रीज, मोर देन 6,000 ट्रीज हैं वहाँ पर, ठीक है। लॉर्ड कब्बन ने बिल्ड कराया था इसको। ओके, तो दिस वॉज आवर चैप्टर विच वी हैव रेड। Read it properly now. If you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you so much. Have a nice day. One more fact is left. Right before signing off, I'm going to tell you about the question. There was one question in the beginning of the chapter, right? Which we have left, that when we will read the chapter, we'll get to know. But it won't come within the chapter, right? So our question is, do you know which was the first city in India to have electric street lights? कौन सा सिटी है इंडिया का पहला जिसमें इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स थी? तो द आंसर इज बेंगलुरु। हम बेंगलुरु के बारे में ही पढ़ रहे हैं, एंड दिस फैक्ट इज रिलेटेड विद बेंगलुरु एंड नॉट इन ओनली इन इंडिया, बट दिस वाज द फर्स्ट सिटी इन एशिया टू हैव इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स। ओके, सो रीड दिस चैप्टर थॉरली। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।